Hey guys, Assalamualaikum, Sat-Sri-Akal. I hope आप सही बहुत अच्छे होंगे. हम भी बहुत अच्छे. मैं हूँ रानिया. मैं हूँ रोहन. और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन. तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर. उस वीडियो का टाइटल है ब्रिटेन की एक महिला ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा ब्रिटेन के मुसलमानों को आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है, आप यहाँ क्यों आना चाहते हो. तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है. आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. Yes, guys, देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर का क्या रिप्लाई रहता है इस लेडी को. ठीक है, वैसे भाई हर कोई सुनना चाहेगा डॉक्टर जाकिर नाइक सर को, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें ये बताते हैं अपने वीडियोस में. तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से बातें करेंगे. आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लास्ट तक के देखना गाइस. अगर आप लोग वीडियो में आ जाते हो तो बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा आपको इस वीडियो के थ्रू. तो स्टार्ट करते हैं. देयर आर मेनी हेड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ सेवरल फॉरेन कंट्रीज. दे हैव कॉल्ड मी एट द स्टेट गेस्ट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द किंग, द शेख. दे मीट मी, दे हैव डिनर. डू यू मीन टू से दे आर मीटिंग अ पर्सन हु इज प्रमोटिंग टेररिज्म? दिस इज ऑल अगेन मैनिपुलेटेड बाय द मीडिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन. दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक दुनिया में इस वक्त वाहिद शख्स हैं जो मशहूर भी हैं और गैर मुतनाज़े भी. उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं और दुनिया का हर मुल्क उनके इस्तकबाल के लिए तैयार रहता है. मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मुल्क है जिसने उनके अपने मुल्क दाखिले पर पाबंदी लगाई? वो मुल्क है बरतानिया. मगर ये पाबंदी भी बिला जवाज और गलत साबित हो चुकी है. मगर कमाल ढिटाई है कि अदालती फैसलों के बावजूद डॉक्टर साहब को बरतानिया में दाखिले की इजाज़त नहीं है. इससे मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक लेक्चर के बाद सवाल और जवाब के सेशन में बताया कि बरतानिया ने मेरी तकरीर के चंद हिस्से उठाए और उनको अपनी हुकूमत को पेश कर दिया और कहा कि इस शख्स पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये खतरनाक है. मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैं इस्लाम छोड़ने वालों को कत्ल करने की तरगीब देता हूँ. ये बिल्कुल गलत है. ये इल्जाम मेरी पूरी तकरीर से चंद हिस्से काट कर बनाए गए. अगर मेरी पूरी तकरीर सुने तो मैंने कहा था कि बहुत से स्कॉलर्स ये कहते हैं. मैंने स्कॉलर्स का बयान दोहराया और फिर इसकी नफी भी की और कहा था कि इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में जाने वाले के लिए सजाए मौत एक हल नहीं है. तकरीर के अलग किए गए चंद हिस्से बरतानवी सेक्रेटरी को दिखाए गए और उन्होंने भी खुद तकरीर सुनने की बजाय इस दस्तावेज पर इनसार कर लिया. हालांकि उन्हीं की खुफिया एजेंसी के चीफ ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं बरतानिया में उन मुसलमानों तक पहुँचूँ जिन तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही, या अगर पहुँच रही है तो असरअंदाज नहीं है. नाज़रीन, जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सारा वाकया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बयान कर रहे थे, उस वक्त वहाँ जामे के टॉप के तलबा तालिबात को दावत दी गई. उनमें से एक लड़की खड़ी हुई और उसने ये सवाल किया कि आपने जब ये कहा कि आप बरतानिया आना चाहते हैं क्योंकि आप उन मुसलमानों से मिलना चाहते थे जिन तक हुकूमत की रसाई नहीं है, तो मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि आपको क्यों लगता है कि बरतानवी हुकूमत मुसलमानों तक पहुँचने में नाकाम हो रही है. नाज़रीन, ये सवाल अमरीकी मुआशरे के हिसाब से वाकई हैरान कर देने वाला था, क्योंकि अमरीका में हुकूमत की सर्वेलेंस के ऐसे ऐसे तरीके हैं जिनका गुमान भी हकीकत से परे लगता है. अमरीकी एजेंसी NSA का भी इस हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था जब स्नोडन नामी एक शख्स ने सारे मामले पर आवाज उठाई कि हुकूमत कैसे अमरीकी शहरियों के मोबाइल फोन्स और दीगर गैजेट्स की मदद से उनकी जासूसी करती है. आप इस लड़की का सवाल सुनिए और आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब तफसीलन बताते हैं. I'm Yasmin, I'm a student at the university and my question is sort of related to the last question. You talked about you wanted to come to the UK because you wanted to reach out to Muslims who you felt that the government were not able to reach out to. And I wondered why, in your opinion, you felt that the government were failing in this way to reach out. Dr. Zakir Naik ne sawal ke jawab mein kaha ki behan aapko galat fehmi hui, maine aisa nahi kaha tha ki main Bartania aana chahta hoon taaki main musalmanon tak pahunch paun jin tak hukumat nahi pahunch rahi, balki maine kaha tha ki Director General of Security and Counter Terrorism Charles Fawr ne ye socha tha aur mujhe lagta hai ki Bartanvi hukumat ke paas hamare mutalliq malumat thi, shayad unhone isi buniyad par ye socha ho. Bartanvi mehkma dakhila ko malum tha ki पीस टीवी ने सिर्फ बरतानिया बल्कि दीगर मुल्कों में भी सबसे मकबूल इस्लामी सैटेलाइट चैनल है जिसे मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद भी देखती है और उनके मुताबिक सबसे मकबूल इस्लामी स्पीकर हूँ. हालांकि मैं खुद को ऐसा बयान नहीं करता, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक तालिबे-इल्म हूं. डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने वही बात दोहराई जो बरतानिया की हुकूमत के ओहदेदार का ख्याल था कि मैं सबसे बेहतर तरीके से पहुंच सकता हूं. शायद वो समझते हूं कि मेरी तकरीर मुतासिरकुन है और उन्होंने मेरी तकरीर को पूरे सयाको सबाक के साथ पढ़ा और समझा होगा. यही वजह है कि उन्होंने होम सेक्रेटरी के इस हुक्मनामे की हिमायत नहीं की थी जो मेरे दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक था. द मोस्ट पॉपुलर इस्लामिक सैटेलाइट चैनल इन UK watched by the Muslims as well as the non-Muslims, and the most popular speaker, according to the Home Department, not according to me.
according to Home Department, is Dr. Zakir Naik. So I repeated what he thought that I could reach better. Maybe he thinks that my speeches have influence and he may have read my speeches in context. That's the reason he was not in favor of the Home Secretary that she passed the expulsion order. यहाँ पर इस लड़की ने एक और सवाल किया और पूछा कि क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये बात इसलिए की होगी कि वो जेलों में कैद मुसलमानों को आपसे मुतारिफ कराना चाहती है और आपके लेक्चर्स उनको सुनाना चाहती है। Do you think that he has a point? Do you think that in some sense the government are failing to reach out to Muslims in prison? डॉक्टर साहब ने दूसरे सवाल के जवाब देते हुए कहा कि अगर आप मेरी राय पूछें कि क्या मैं चार्ल्स फॉर के ख्यालात से इत्तफाक करता हूं कि हुकूमत मुसलमानों तक रसाई में नाकाम हो रही है, तो हाँ मैं इससे मुत्तफिक हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये इसलिए है कि हुकूमत को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुसलमान इस मसले का हिस्सा है, बल्कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि मुसलमान इस मसले के हल का हिस्सा है, क्योंकि बहुत से मुसलमान हैं जो बरतानवी शहरी होते हैं, वहाँ के सिस्टम में जिंदगी गुजारते हैं, इसी के मुताबिक चलते हैं, और बतौर मुसलमान भी हर किसी का फर्ज है कि वो इस मुल्क के तमाम कवानीन माने जिसमें वो रह रहा है, मगर इसमें एक पॉइंट है कि मुल्की कवानीन पर उस वक्त तक अमल करे जब तक कानून उसे मजहब के खिलाफ काम करने पर मजबूर न करे या फिर ऐसे काम की हिदायत न करे जो शरीयत के खिलाफ हो। नाज़रीन, ये लेक्चर इस वक्त का है जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हिंदुस्तान में रहते थे और वहाँ इंतहा पसंद हुकूमत मुसल्लत नहीं हुई थी जो भारत को सिर्फ हिंदू राष्ट्रिया बनाना चाहती है, और बतौर एक हिंदुस्तानी के डॉक्टर साहब को अपने मुल्क पर फख्र था। उन्होंने अपने मुल्क की तारीफ भी की और कहा कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, मैं आईन में किसी ऐसे कायदे या किसी कानून के बारे में नहीं जानता जो हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को कोई ऐसा काम करने पर मजबूर करता है जिसकी मुमानियत है, और न ही ये मुझे इस काम से मना करता है जो मजहब में करना लाजिम है। इसलिए मैं एक बामल मुसलमान हूं और मुझे हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। इसी तरह बहुत से अंग्रेज भी हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि वो भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, उनको अपने बरतानवी शहरी होने पर फख्र है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि हुकूमत को बरतानवी मुसलमानों को एतमाद में लेना चाहिए और उन्होंने इस चीज पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि मीडिया मुसलमानों को बदनाम करना बंद करे, और इसकी बेहतरीन मिसाल मैं खुद हूँ। पीस टीवी के 100 मिलियन से ज्यादा देखने वाले हैं और लाखों लोग कहते हैं कि मैं अमन का सफीर हूँ, मुझे बहुत से सरबराहान मुमलिकत, सुदूर, वजीर आजम और बादशाहों ने मुलाकात के लिए बुलाया है, उनका भी ख्याल है कि मैं फिरका वारियत और नफरत को हवा नहीं देता, तो क्या आपका कहना है कि मैं ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो दहशतगर्दी को फरोग देता है? There are many heads of states of several foreign countries, many, they have called me as the state guest. So do you mean to say all these heads of states of several countries, the president, the prime minister, the king, the sheikh, they meet me, they have dinner with me. Do you mean to say they are meeting a person who is promoting terrorism? A person who spreads hate? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने आखिरी बात करते हुए कहा कि मैं बस यही कह रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ फैलाया गन असल में मीडिया का है, ये सारे मीडिया की हीरा फेरी है, लिहाजा हुकूमत मीडिया के शिकार न बने। बरतानवी हुकूमत को तारीख से सबक सीखना चाहिए, और तारीख यही है जिस पर इल्जाम हो उसको सफाई का मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मुझे यकीन है कि ज्यादातर गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, और मुझे यकीन है कि बरतानिया पहले से ज्यादा पुरअमन मुल्क होगा। द गवर्नमेंट शुड नॉट फॉल प्रे टू द मीडिया and take any decision hastily. What they should do, they should give a chance for the person to clarify, and then I'm sure that most of the misconceptions will be removed, and I'm sure that UK would be a more peaceful country to live in. नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट से। वीडियो बहुत अमेजिंग बात थी, इसमें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक सर ने बोला कि जो इस्लाम को बदनाम किया जाता है मीडिया के थ्रू ही किया जाता है, तो मीडिया को थोड़ा समझना चाहिए कि ऐसा जब नहीं है तो आप क्यों दिखा रहे हो, थोड़े से टीआरपी के लिए, ठीक है, इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। और कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक सर ने इस वीडियो में ये भी बात बोला, वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं जो है फिरके वारियत नहीं करता, लोगों को सही चीजें ही बताता हूँ, कोई फिरके वारियत को प्रमोट नहीं करता, ये चीज बहुत अच्छी बात बोले। जैसे कि और इन्हीं के वजह से कि एक होता है ना कि जो इंसान सच बोलता है तो वो अकेला रह जाता है और लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के साथ वैसा ही है कि इनको फंसाया जाता है बस हर तरीके से, ताकि ये इतना अच्छा जो काम कर रहे हैं, जो इतने अच्छे इनके फॉलोअर हैं, इनको देखने वाले, तो वो उन तक असली बात जो है ना, असल बात सच्चाई नहीं पहुंच पाए, बता ना पाए, अच्छी बातें जो ये बताते हैं वो लोगों तक ना पहुंचे, यही चीज है, तो इनके पीछे जो लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक सच में ये जो बोल रहे थे कि ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा वो लोग मानते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मतलब मेरी बातें वहां तक पहुंच सकती है जो वहां के लोग हैं, तो ये चीज तो बिल्कुल सही है कि और भी जो स्कॉलर हैं
उनकी बातें एक यानी ठीक लगती है, लेकिन जो डॉक्टर जाकिर नायक सर का जो बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो बहुत ही अलग है, एक अलग ही टाइप का वो बताते हैं, एग्जांपल देते हैं कि लोगों को एकदम आसानी से वो चीजें समझ आ जाती है, क्लियर हो जाती है कि इनके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग इनकी वीडियोस देख के समझ सकते हो कि कितने अच्छे से उसका एकदम लॉजिकल आंसर रहता है डॉक्टर जाकिर नायक सर का, किसी भी टॉपिक में किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो। तो ये इनके पीछे सिर्फ इसी के वजह से लोग पड़े हुए होते हैं, ये समझ आते हैं मुझे तो। गाइस ये था वीडियो, आप क्या सोचते हो, आप हमारी बात से सहमत हो कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।